खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की बड़ी खबर, निजी चिकित्सकों के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरटीएच आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चल रहे रेजिडेंट ने मरीजों की पीड़ा को समझा है। सरकार स्तर पर बातचीत के बाद सभी रेजिडेंट्स ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है। एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों में कल सुबह से सेवाओं को संभालने का आश्वासन दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत से वार्ता के बाद रेजिडेंट माने हैं और कल से काम पर लौटने का आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से। विकास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, जरा ये बताइए कि जो समझौता हुआ है, जो बातचीत हुई है, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है और किस तरीके से बातचीत सफल रही है, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। हाँ देखिए, बिल्कुल, रेजिडेंट का जो आंदोलन था वो एक कह सकते हैं निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन चल रहा था आरटीएच बिल के विरोध में, उस समर्थन में रेजिडेंट्स ने भी आंदोलन कर रखा था, कार्य बहिष्कार कर रखा था, लेकिन उसके पीछे का उन लोगों को लॉजिक जो है वो नहीं दे पाए थे। लगातार सरकार के प्रयास जारी थे लेकिन उसके बावजूद भी रेजिडेंट मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मैं आपको अपडेट कर दूं कि परसों रात को एक बार फिर से रेजिडेंट के साथ बातचीत का प्रयास किया गया। बातचीत के अंदर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन वापस से जब रेजिडेंट वापस जीएमए सभागार में लौटे तो वहां पर जो आंदोलन चिकित्सक है उनके साथ उनकी वार्ता हुई और उसके बाद में उन्होंने वापस ये निर्णय ले लिया कि आंदोलन पर वो डटे रहेंगे। लेकिन उसके बाद में बिल्कुल कह सकते हैं बातचीत का दौर खत्म हो गया था, लेकिन आज दोपहर से वापस से बातचीत को लेकर के प्रयास हुए और प्रयास के बाद में अभी देर रात को सचिवालय के अंदर बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर रेजिडेंट्स के प्रतिनिधि जो थे, तमाम जो मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि थे वो सभी उस बैठक में थे और उस बैठक के अंदर चर्चाओं में रेजिडेंट ने कहा कि उनकी पुरानी कई मांगे हैं जिनको लेकर के अभी भी फैसले विचाराधीन है। इसी के चलते उनमें जबरदस्त नाराजगी है। इस बीच में आरटीएच का आंदोलन, आरटीएच बिल जो है वो भी सरकार ने पेश कर दिया और उसको लेकर के उनका आक्रोश है। पंचायत का प्रयास किया गया, पंचायत के प्रयास के बाद उन्हें बताया गया कि सरकार आरटीएच बिल लाने का मंशा क्या है, उनके बिंदुवार उनको समझाया गया और समझाने के बाद में ये भी बताया गया कि सरकार कि निजी चिकित्सकों से वार्ता कर उनके भी समाधान हो और उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन पहले रेजिडेंट का काम पर लौटना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो अस्पताल के अंदर बैकबोन कहे जाने वाले रेजिडेंट है अगर वो हड़ताल पे रहते हैं तो उस स्थिति में काफी हद तक व्यवस्थाएं बची। ऐसे में रेजिडेंट ने भी समझा और चार बिंदु जो कह सकते हैं समझौते के अंदर आज चार बिंदु है जिन पर समझौता हुआ है। जो पहला बिंदु है कि सीनियर रेजिडेंट के जो पद है उन पर जो सीनियर रेजिडेंट नियुक्त है उनको वर्तमान में डीए के साथ में एचआरए दिए जाने के लिए वित्त विभाग को तुरंत प्रभाव से प्रेषित किया जाएगा। मतलब जो सीनियर रेजिडेंट है उनको डीए के साथ में एचआरए जो दिया जाएगा उसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो फैसला लिया गया वो है कि 2020 उसके उपरांत पश्चात जो प्रवेश किया है जिन रेजिडेंट्स ने उनकी बॉन्ड पॉलिसी के अंतर्गत सीनियर रेजिडेंट अलॉटमेंट प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए रेजिडेंट किया जाएगा। आपने उनके नियुक्ति प्रक्रिया को यानी कि जो बहुत पॉलिसी संगतियां हैं उनको लेकर जो दिक्कतें हैं रेजिडेंट्स की उनको समाप्त करते रेजिडेंट्स एसोसिएशन जितना उनके चर्चा में शामिल करेगा। तीसरा बिंदु जो है वो डॉक्टर्स को पूर्ण के लिए वित्त विभाग को तत्काल प्रभाव से प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। और चौथा जो अंतिम निर्णय किया गया वो ये है कि जो सीनियर रेजिडेंट डीएनबी रेजिडेंट के कार्य अवधि है जो अभी पुराने दिनों में जो कार्य बहिष्कार चल रहा था जो कार्य अवधि है डे ऑफ या समायोजित किया जाएगा उसका यानी कि जो राहत के जो अवकाश वो किसी तरह से नहीं किया जाएगा बल्कि उसको डे ऑफ या फिर अवकाश कह सकते हैं जो अवकाश है उसके रूप में समायोजित किया जाएगा यानी कि उनकी सेवाओं में ऐसा वो ब्रेक जो है वो नहीं आएगा। तो चार बिंदु है जिनको हमने हमारे दर्शकों को बताया कि इन चारों बिंदु को लेकर सहमति बनी है और सहमति बनने के बाद में चिकित्सकों ने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल सुबह 9 बजे से तमाम जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर रेजिडेंट जो है कार्य पर वापस लौटेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जो निजी चिकित्सक आंदोलन रखते आरटीएच बिल को लेकर के वो अच्छा विकास रेजिडेंट काम पर का लौटने का आश्वासन दे दिया है तो फिर हम ये मानकर चले कि अब जो ये निजी चिकित्सकों का जो आरटीएच के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ेगा। देखिए इसको कमजोर नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इस आंदोलन की जो नींव थी, जो रीढ़ की हड्डी थी वो कमजोर हुई है क्योंकि
आरटीएच बिल को लेकर जो आंदोलन था उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका थी वो यही थी कि सरकारी डॉक्टर और साथ में जाट जाट यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर जो है उसका समर्थन निजी चिकित्सकों को मिल रहा था, जिसके चलते ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही अभी इस आंदोलन से जाट हटता है, उसके साथ में मैं आपको अपडेट कर दूं कि सेवारत चिकित्सक और रेजिडेंट जो मेडिकल टीचर्स फैकल्टी है उन्होंने भी सिर्फ आज एक दिन की सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था, यानी कि कल से वो भी सेवाएं। इसका मतलब ये है कि अब आज से मतलब कल सुबह से हम उम्मीद करते हैं राजस्थान की तमाम जो राजकीय सेवाएं जो की प्रभावित हो रही थी इस आंदोलन को लेकर के, वो राजकीय सेवाएं बहाल होगी और जो मरीज उनके तीमारदार जिनको निजी अस्पतालों में निराशा हाथ लग रही थी उन सभी लोगों को 100% सरकारी सेवाओं में इलाज मिलेगा, गारंटेड इलाज मिलेगा। ये इस वार्ता और ये कह सकते हैं जो सकारात्मक वार्ता हुई है, जो समझौता हुआ है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये है कि कल से तमाम सरकारी जो दफ्तर है, माफ कीजिएगा, तमाम जो सरकारी डिस्पेंसरी है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है और साथ में जितने भी चिकित्सा इकाई है जिनपे सरकारी व्यवस्थाएं से काम किया जाता है, वो सभी कल से बहाल हो जाएगी। उसमें पूर्व की तरह चिकित्सकों जो चिकित्सक है वो काम करेंगे और मरीजों को इलाज मिलेगा। जी जी, और विकास दोनों तरफ से झुकाव हुआ है क्योंकि रेजिडेंट की तरफ से भी जो उनकी मांगे हैं, हम वो पेपर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जिस पर साइन हुए हैं, और उनकी तरफ से मांगे और साथ ही साथ सरकार की तरफ से उन मांगों पर विचार हुआ, उन मांगों को मान लिया गया, तो झुकाव दोनों तरफ से रहा। देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में दो बिंदु थे। पहला मुद्दा यह था कि रेजिडेंट की पर्सनल बातें हैं, पर्सनल डिमांड है वो थी, और दूसरा आरटीएच का कानून है। आरटीएच कानून को लेकर के आश्वस्त किया गया है कि जितने भी विसंगतियां चिकित्सकों की तरफ से बताई जा रही है उन तमाम विसंगतियों को दूर करने का सरकार प्रयास करेगी, ये इस समझौते के अंदर आश्वस्त किया गया। लेकिन उसके साथ में रेजिडेंट की चार महत्वपूर्ण मांगे थी जिनको मान लिया गया और उनके प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से फाइनेंस को भेज दिए जाएंगे। फाइनेंस को भेजने का मतलब ये है कि उनकी बातों को मान लिया गया है, जिसके चलते रेजिडेंट जो है काम पर लौटे। और एक बात बहुत बड़ी बात है, सरकार ने कल बहुत बड़ा एक दबाव भी बनाया था इस बात को लेकर के कि जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे तो 1000 जूनियर रेजिडेंट्स के पद स्वीकृत किए थे और उनमें से करीबन 400 के आसपास जूनियर रेजिडेंट्स की भर्ती भी कर ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिससे कि इस आंदोलन में चल रहे जो रेजिडेंट्स हैं उन पर भी दबाव बना था इस बात को लेकर के कि वो काम पर लौटे, अन्यथा जूनियर रेजिडेंट्स अगर सरकार ने काम कराना शुरू कर दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। और इसी के बाद में आज वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और वार्ताओं का दौर शुरू होने के बाद में अब जो है रेजिडेंट्स ने बड़ा फैसला किया है कि वो काम पर लौटेंगे, जिससे कि निजी चिकित्सकों का जो आरटीएच आंदोलन चल रहा था उसको एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। बिल्कुल विकास, अब रेजिडेंट्स तो मान गए हैं लेकिन अन्य कब मानेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए दीपिका, हम भी अपील यही करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो वार्ताओं का दौर है वो शुरू होना चाहिए, जो गतिरोध है वो खत्म होना चाहिए और जो डेडलॉक बना हुआ है वो खत्म होकर के बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। देखिए आज का जो आंदोलन है उस आंदोलन में निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश भर के मरीज जो है उनके तीमारदार है वो परेशान है, तो ऐसे में जो सरकार की मंशा है उसके अकॉर्डिंग निजी चिकित्सकों को भी वार्ता के लिए आना चाहिए। अगर वो वार्ता के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पे जीत का रास्ता निकलेगा और कामकाज लौटेंगे चिकित्सक, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर जितने भी चिकित्सक है उनके जो बिंदुवार डिस्कशन कर सकते हैं, कोई विवाद है तो उसको समाधान किया जा सकता है लेकिन बातचीत से समाधान होगा। लेकिन अगर कोई चिकित्सक ये कहे कि नो आरटीएच पर हम अडिग हैं और नो आरटीएच पर बातचीत करेंगे तो ऐसा अभी मौजूदा हालात के अंदर संभव होता नजर नहीं आ रहा है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से सभी चिकित्सकों से अपील करते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को समझे, सरकार की मंशा को समझे, बिल के बिंदुओं को समझे और उसमें जो गतिरोध है, जो कह सकते हैं आशंकाएं हैं, उनको समाप्त करके काम पर लौटे ताकि जो कह सकते हैं धरती का भगवान कहे जाने चिकित्सक की जो भूमिका में चिकित्सक रहते हैं उनको वापस उसी भूमिका में लाया जा सके। विकास एक बात और, क्योंकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि अगर ये सभी रेजिडेंट्स काम पर नहीं लौटते तो कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ सकती थी, क्योंकि वाकई में सरकार की ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा फिर। देखिए बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और सबकी निगाह इस आंदोलन में सबकी निगाह जो है वो जाट पर टिकी हुई थी कि क्योंकि आप देखिए जिस दिन निजी चिकित्सकों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का फैसला लिया था, जिस दिन विधानसभा में बिल पारित हुआ था उसके एक दिन बाद में, उस दिन से लेकर के आज तक पूरे आंदोलन पर निगाह जो है जाट पर टिकी हुई थी, क्योंकि जाट जो है एक ऐसी इकाई है वो अगर समर्थन देती तो बहुत बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं बाधित होती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी,
जाट का निर्णय स्वागत योग्य है, साथ में प्रदेशवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद भी, उनके पदाधिकारियों को कि उन्होंने भले ही चाहे देर से समझा लेकिन मरीजों की दिक्कतों को समझा, परेशानियों को समझा और वो काम पर लौटे हैं। अब उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह ही और जो अन्य चिकित्सक जो आंदोलन की राह पर है वो भी काम पर लौटेंगे, काम पर लौट करके अपनी पीड़ित मानवताओं की सेवा में जुटेंगे ताकि सरकार की मंशा भी पूरी हो सके और चिकित्सकों का खुद का सम्मान भी है वापस लौट सके। बिल्कुल विकास, और क्योंकि देखिए डॉक्टर्स की तरफ से जो निजी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनके दो तीन दिन पहले के बयान अगर देखें तो उन्होंने कहा था कि अब बातचीत की गुंजाइश नहीं है। फिर उनकी तरफ से कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सिर्फ मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, तो ये हम समझे कि एक पड़ाव तो चलिए पार हो गया, सभी रेजिडेंट्स काम पर लौट रहे हैं, अब दूसरे पड़ाव की बारी है। देखिए किसी भी आंदोलन का अंत जो है हठधर्मिता नहीं होता है, हठधर्मिता से चीजें बिगड़ती है और वही चीजें इस आंदोलन में देखने को मिल रही है क्योंकि इस आंदोलन में कोई व्यक्ति विशेष कोई एक लीडर नहीं है। सभी चिकित्सक आपस में मिलजुल करके एक आंदोलन चला रहे थे पर लीडर नहीं है तो कुछ मंशा भी नहीं होती। और हम अगर बात करें इस बात को लेकर के कि नो आरटीएस तो इस पे डिस्कशन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा एक बिल लेके आई है, एक मंशा अब सरकार ने बताई है और खुद सूबे के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री भी स्पष्ट कर चुके थे कि इस बिल को लाने के बाद में जो भी गतिरोध बना हुआ है ये कह सकते हैं कंफ्यूजन है उनको दूर किया जाएगा लेकिन उसके लिए वार्ता होनी चाहिए। मुख्य सचिव के स्तर पर बातचीत हुई है, खुद बड़े आला अधिकारियों के स्तर पर बार बार वार्ता हुई है लेकिन सभी चिकित्सक जो आंदोलन थे वो इस बात पर अड़े रहे कि नो आरटीएस पर हम अड़े रहेंगे जब तक नो आरटीएस यानी बिल पहले वापस हो उसके बाद में हम काम पे लौटेंगे। तो वो जो निर्णय था उस निर्णय के चलते अभी इतना डेडलॉक बना हुआ था और साथ में आंदोलन जो है लगातार बढ़ रहा था लेकिन अब जो कह सकते हैं जब रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो निश्चित तौर पर निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन चल रहा था उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ा आंदोलन था और बड़े आंदोलन में एक धड़ा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था वो इस आंदोलन से हट गया है। तो अब हम ये उम्मीद ये करते हैं कि निजी चिकित्सक जो है वो भी वार्ता के लिए आएंगे, डेडलॉक तोड़ेंगे और ये हड़ताल चल रही है जिसको कहते हैं हड़ताल यानी कि वो हड़ताल समाप्त होगी। जी बिल्कुल, वो हड़ताल समाप्त हो और यही उम्मीद सभी जता भी रहे हैं और ये कोशिश भी लगातार की जा रही है। विकास, क्योंकि आप तो लगातार कवर कर रहे हैं, आंदोलन में भी आप शामिल हुए, बाकायदा कॉन्फ्रेंस जब डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी उसको भी आपने अच्छे से बताया भी था दर्शकों को, जरा ये बताइए कि अब आगे रुख क्या नजर आ रहा है इनका, आपका आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वार्ता के तो रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या वार्ता के लिए मान रहे हैं? एक बार फिर से हम देखेंगे आने वाले समय में कि एक टेबल पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स और सरकार नजर आने वाली है। देखिए हम उम्मीद यही करते हैं, हम अपील यही करते हैं कि इस तरह का दृश्य जल्दी दिखने को मिले लेकिन अभी के हालात में यही है कि निजी चिकित्सकों का स्टैंड जो है बहुत सख्त रुख था और उस सख्त रुख के साथ में जो आंदोलन को बढ़ाए जा रहे थे तो ऐसे में अब बीच का रास्ता जो है वो यह वार्ता का निकलता है और इसमें कई बिंदु हैं, कई रास्ते हैं जिससे इस आंदोलन से छह सम्मान चिकित्सक भी बाहर निकल सकते हैं और जो कह सकते हैं उनकी पूरी बात भी सुनी जा सकती है लेकिन अगर अडावंटल की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में सरकार, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सरकार कोई सख्ती नहीं करेगी इस पूरे आंदोलन को लेकर के लेकिन ये कहीं ना कहीं निजी चिकित्सकों के ऊपर भी कह सकते हैं नुकसान की स्थिति रहेगी क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया कार बहिष्कार करे हुए, बड़े बड़े अस्पताल जो है उनसे ताले लटके हुए हैं और उन अस्पतालों में ताले लटकने से भले ही मरीज का सफर कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर जो चिकित्सक है जो उन अस्पतालों को चलाते हैं उन पर भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस आंदोलन को लंबा खींचना बहुत मुश्किल होगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है, बशर्ते इस पे वार्ता होगी। उम्मीद यही करते हैं ना किसी का सम्मान टूटे और ना ही किसी का कह सकते हैं आंदोलन का लिए। बिल्कुल विकास, और देखिए सभी रेजिडेंट्स तो मान गए हैं, अब कोशिश यही रहेगी कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं निजी अस्पतालों के वो जो लगातार विरोध कर रहे हैं वो भी जल्दी मान जाएं और सहूलियत जनता को मिल जाए। आपका शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।